अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। आई नो आई एम हेयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो टुडे माय वीडियो इज़ अबाउट एक्टिविटीज़ दैट किल आर प्रोडक्टिविटी। हम लोग आजकल ऐसी एक्टिविटीज़ में मुबतला हो गए हैं जो हमारी एनर्जी, हमारा पार ख़त्म कर देती है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। पहली चीज़ क्या है? गेटिंग लॉस्ट ऑन सोशल मीडिया। वी अननेसेसरीली स्पेंड सो मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी पार और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा टाइम बर्बाद होता है, ज़ाया हो जाता है। और आप सबको पता है कि गया हुआ वक्त दोबारा वापस नहीं आता। मैं अपनी बात करूँ, ये जो इंस्टाग्राम पे रील्स है, एक बार आप क्लिक करते हो रील सेक्शन पे, उसके बाद आपका टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। आई एम ट्राइंग टू रिकवर माई सेल्फ, सो यू शुड ऑल्सो। नेवर लिविंग द कम्फर्ट जोन। इंसान में रिस्क टेकिंग फैक्टर होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप अपने कम्फर्ट जोन से आकर, बाहर आकर आप सोचोगे कि हमें ये चीज़ अपनी लाइफ में करनी चाहिए। जो ही आप रिस्क लोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। ये ज़रूरी नहीं है रिस्क लेने के बाद नुकसान ही नुकसान होता है। और जब भी आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी आप रियलिस्टिक लाइफ जी पाएंगे। ओवर एनालाइजिंग एवरीथिंग। हम लोगों को आदत है, कुछ हो गया होता है तो हम उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। और आपको पता है ओवरथिंकिंग बहुत ही बुरी चीज़ है हम इंसानों के लिए, बिकॉज़ हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, अल्टीमेटली एक इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। तो जब ही कोई इंसान एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का शिकार होता है, प्रोडक्टिविटी तो नेचुरली ही ख़त्म हो जाती है। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। सोना इंसान के लिए, आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप थके हारे होंगे सो जाएंगे, सुबह एनर्जेटिकली आप उठेंगे तो दैट विल बेनिफिट यू और आपका दिन अच्छा जाएगा। फेलिंग टू प्रायोरिटाइज। आपको नहीं पता आपके प्रायोरिटी यानी प्रेफरेंस देना, आपको नहीं पता कि किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी एक डायरी पे दिन का टाइम टेबल बनाना चाहिए कि आज दिन पे मुझे कौन सा काम करना है। तो नंबर 1 पे मैं क्या रखूँ, नंबर 2 पे मैं क्या रखूँ, नंबर 3 पे मैं क्या रखूँ। वंस यू आर डन तो आप टिक मारते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि आज दिन पे आपने कुछ हासिल किया है। स्टिंग डाउन ऑल डे, स्टिंग आइडल ऑल डे, Obviously you will feel fatigue। ऐसा नहीं है कि काम करने में ही रहोगे तभी you will feel lazy and fatigue after all the day। No, ऐसे ही बैठे रहना, वेले ही रहना भी आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म करता है। Impulsively web browsing। Again, it's like social media। आपकी आंखें थक जाती है जो ही आप पूरा ब्राउज कर लेते हो, पूरा दिन ब्राउजिंग करते हो। तो रेफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम सच हैबिट्स। अच्छा, सबसे ये कभी कभी मेरी भी बुरी आदत है, यूजिंग योर फ़ोन इन बेड। नाउअडेज आई एम सुपर बिजी सो आई डोंट गेट टाइम यू नो टू यूज़ फ़ोन इन माई बेड। तो ऐसा होता है कि आपकी आंखें थक जाती है और सोने के टाइम पे सिर्फ सोने का काम होना चाहिए, फ़ोन चलाने का नहीं। सो रेस्ट करना इज़ वेरी नेसेसरी। थैंक यू।